हाँ बच्चे, हेलो तो आपको बच्चे। जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे यूँ कहना चाह रहा है कि इफ 6 एंड 17 टर्म ऑफ एन एपी आर 19 एंड 41 रेस्पेक्टिवली देन फाइंड 14th टर्म, यानी कि किसी समांतर श्रेणी का छठा पद और 17वां पद वो क्या क्या है, 19 और 41 है, 41 है, आपको इसका 40वां पद यानी कि 14th टर्म जो आपको उसको निकालना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आसान है। देखो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो आप ये सोच रहे होंगे कि हमारे पास ना तो ए है ना डी है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 14th टर्म। देखो मेरी बात समझना, 40वां पद निकालना है इसका मतलब हमें निकालना है ए 40, समझ पा रहे हो, ए 40। ए 40 का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, ए प्लस 39 डी। मैंने कहा था ना जितना यहाँ पर होता है उससे एक कम डी। पहले समझो क्वेश्चन को, बेस तैयार करो बच्चे, फिर वेरी इजी हो जाएगा ये। मतलब हमें ये फॉर्मूला लगाते ही हमारा आंसर आ जाएगा, समझ पा रहे हो, इसका मतलब हमें ए भी चाहिए तो हमें डी भी चाहिए। अब समझ गए होंगे आप हमें क्या क्या चाहिए, ए और डी चाहिए, ठीक है ना। चलो इसका मतलब जो जो चीज़ गिवन है उसे हमें निकालना है। सबसे पहले उसने कहा कि छठा पद यानी कि 6th टर्म, तो लिखेंगे अपन, हमें जो दे रखा है वो देखो 6th टर्म कितना दे रखा है हमें, 6th टर्म को क्या अपन क्या बोलेंगे, ए 6, ठीक है, ए 6 यानी कि हिंदी वाले बच्चे लिख देंगे छठा पद। ए 6 हमें कितना दे रखा है, छठा और 17वां में 19 और 41, यानी कि छठा दे रखा है 19 और जो हमें 17वां टर्म दे रखा है 17th टर्म, ठीक है बच्चे, उसको बोलेंगे अपन ए 17 यानी कि 17वां पद, ठीक है, 17वां पद वो हमें दे रखा है 41 41, ठीक है। चलो ये दोनों में गिवन है, इसका मतलब समझना बच्चे, इसको अपन क्या कह सकते हैं, अगर इसको अपन कह दें ए 6, ए 6 का मतलब ए प्लस 5 डी, वेरी इजी, बहुत अच्छे समझना, मैंने आपको पहले दिन ही बता दिया था। जैसे वहां पर ए 40 है तो ए 40 का मतलब ए कम डी, मतलब ए प्लस 39 डी, 39 डी, वैसे ही देखो यहाँ पर क्या है ए 6 यानी कि ए प्लस 5 डी, तो इस ए 6 को लिखा जा सकता है ए प्लस 5 डी, और 19 को लिख सकते हैं हम 19, 19 का तो 19 रहेगा। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1। ऐसे ही इसको आप क्या ले सकते हो, इसको अपन कह सकते हैं ए 17, ए 17 को अपन क्या कह सकते हैं ए प्लस 16 डी, ए प्लस 16 डी बराबर 41, 41 तो 41 ही, 41 तो 41, ए 17 को अपन क्या कह दिया ए प्लस 16 डी, ये बन गया बच्चे इक्वेशन 2, समीकरण 2। अब समझो आप, अपन एक चैप्टर करेंगे उसमें एलिमिनेशन मेथड पढ़ेंगे अपन, यानी कि विलोपन विधि। विलोपन विधि कब लगानी है, जब किसी एक चीज को गायब करके एक चीज निकालनी है। देखो यहां पर इन दोनों समीकरण में अपन लगाएंगे विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड, यानी कि हम समीकरण 1 में से 2 को माइनस कर देंगे, घटा देंगे, या फिर 2 में से 1 को घटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ध्यान देना कि हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चे अपन इक्वेशन 1 और माइनस में से इक्वेशन 2, यानी कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। अब समझना क्यों घटा रहा हूँ वो भी आपको बताता हूँ। अभी एक है ए प्लस 5 डी, समीकरण एक क्या है ए प्लस 5 डी, ठीक है, और दूसरा समीकरण है ए प्लस 16 डी, 41 ओ एज इट इज है। अब जब भी देखो बच्चे, हम जब भी इक्वेशंस को आपस में माइनस करते हैं, कब करते हैं, जब हमारे पास इन इन दोनों में से या तो ए की वैल्यू में से या फिर डी की वैल्यू में से कोई एक वैल्यू कट रही होती है। लेकिन कब, अब देखो यहाँ पर भी ए है यहाँ पर भी ए है, तो हमने सोचा इसको माइनस कर देंगे, तो माइनस करने से क्या होता है नीचे के साइन चेंज हो जाते हैं, ये समझना आप, सिर्फ नीचे वाला लाइन के माइनस करने से क्या हो जाता है साइन चेंज हो जाते हैं, क्योंकि इसमें से जब ये माइनस करेंगे तो बीच में माइनस लग जाएगा, जो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो सब में साइन अंदर लग जाएगा। या फिर आपको ऐसा समझ लो कि जब भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस करेंगे तब भी करेंगे जब हमें एक कोई वैल्यू बिल्कुल डिट्टो सेम है, बस उसको हमें साइन चेंज करते कट जाए। हाँ इसको अपन जोड़ भी सकते थे, कब जोड़ते, जब यहाँ पर ये ए है ना, या तो ये और या ये, इन दोनों में से कोई एक प्लस का होता कोई एक माइनस का होता, तो वो तो ऑलरेडी कट रहा था, तो उस समय अपन क्या करते थे समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते, क्योंकि ए से ए पहले कट जाता तो हमें यहाँ पर ये क्यों करते, ये ध्यान देना है आपको, ठीक है। अभी ए से ए नहीं कट रहा था, जोड़ते तो 2a हो जाता, इसलिए हमने इसको माइनस किया तो साइन हो गया चेंज, तो ए से ए कट गया, बस हमारा ये टारगेट था। अब यहाँ ये 16d माइनस के 5d प्लस के, तो माइनस के 11d बच गए, ठीक है, और यहाँ 41 में से ये माइनस कर लो एक ही बात है, तो 11 में से 9 गए तो 2 बच गया, यहाँ रह गए 3, 3 में से गया तो 2, 22 बच गए माइनस के, क्योंकि 41 41 किसके हैं माइनस के, तो बड़ा डिजिट का साइन आएगा, तो डी बराबर -22 का, तो -22 एज इट इज, और ये जो 11 है वो डी के साथ मल्टीप्लाई में, वो आ जाएगा इसके नीचे डिवाइड में, तो माइनस से माइनस कट गया, 11 दूना 22, 11 टू ज़ा
ट्वेंटी, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, दो। चलो हमें क्या क्या चाहिए था, पहले सोच लिया था अपने कि मैं तो डी चाहिए, एक ए चाहिए, तो डी तो आ गया दो। अब समझना इस डी के मान को, ठीक है, डी के मान को समीकरण, वो आपकी इच्छा, आप कोई से में रख दो, चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, तो समीकरण एक में रखने पर, ठीक है बच्चे, डी के इस मान को समीकरण एक में रखने पर, यानी कि द वैल्यू ऑफ डी पुट इन इक्वेशन वन, चलो वन के अंदर रखते हैं, एक ही जगह पर रख देंगे ए प्लस फाइव इंटू, क्योंकि ये दोनों इंटू में है ना, क्या कर रहे हैं बता, समझ रहे हो बच्चे, इस डी के जो दो आया ना वैल्यू, जो दो आई इसको अपन रख रहे हैं समीकरण एक में, तो एक की जगह ए प्लस फाइव, डी की जगह रख दो दो, बराबर 19 का 19, तो ए प्लस 5 दूनी 10, 5 टू 10, 19 का 19, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 19 में से 10 माइनस कर देंगे, तो ए की वैल्यू आ गई 19 में से 10 माइनस कर देंगे तो 9 आ गई। चलो डी आ गया 2 और ए आ गया 9, हमें क्या चाहिए था, ए और डी चाहिए था, वेरी इजी। अब हमें देखो 40वां पद चाहिए, 40वें पद को आप कह सकते हो A40, ठीक है, देयर फोर 40th टर्म, अतः 40वां पद यानी कि A40 बराबर क्वेश्चन मार्क, ये हमें निकालना था, तो इसके क्वेश्चन मार्क की जगह आप सीधा ये फॉर्मूला लगा देना, यानी कि A+39D, यहाँ पर A40 है बच्चे, A40 बराबर ये चीज है ना, ये यहाँ लिखनी है, तो देखो एक ही जगह क्या रखें अपन, एक ही जगह अपन रखेंगे 9, ठीक है, 9+39 इंटू डी, इंटू डी की जगह क्या रखेंगे अपन, 2, 2, तो ये हो गया 9+, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो 9 पहले मल्टीप्लाई करो, बोर्ड मास के नियम से कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, इस 9 को 39 में जोड़ देते हैं फिर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, वो गलत हो जाता है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो फिर 9 में ऐड होगा, बोर्ड मास के नियम सब जानते ही चीज़, तो 2 नंबर 18 हाँसी लगी, 1 2 3 4 1 7, ठीक है, 2 9 18, 1 3 2 3 6 7, अब इनको ऐड कर दो, 8 8 16 1 17, 87 हमारे आंसर आ गया, ठीक है, यानी कि जो इसका 40वां टर्म था, 40वां पद कितना होता है 87, या फिर बच्चे एक चीज़ और समझना, देखो समझना बहुत ज़रूरी है, यहाँ पर अपन ने A40 डायरेक्ट लिख दिया मैंने ये फॉर्मूला लगा के, कुछ बच्चे क्या करते हैं वो सोचते हैं कि मैं तो AN का फॉर्मूला लगाऊंगा, लगा सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, कैसे हैं कि A ये रहा, D ये रहा और AN आपके पास पहले से ही है, सिर्फ इतने से का देखो ध्यान रखना, इस चीज़ का मैं आपको एक सोल्यूशन और बताता हूँ, बाकी तो सेम अपना वही करना है, बस इस चीज़ को दोबारा करना चाहते हो एक मेथड और है, तो आप लगा सकते हो AN बराबर A+N-1D, ये वाला फॉर्मूला। अब देखो एन की जगह क्या रख देंगे अपन, 40, क्योंकि 40वां पद, इसका मतलब एन कितना है बच्चे, 40 है, समझ पा रहे हो, तो A40 बराबर ए की जगह, ए की जगह है हमारे पास 9 प्लस 40 की, एन की जगह 40 माइनस 1 और डी की जगह 2, ठीक है, यानी कि 9+40 में से एक गया तो 39, 39 इंटू डी, मतलब चीज वही बन के आएगी वापस, ठीक है, तो वो भी ये भी सोल्यूशन भी कर सकते हो, आंसर 87 आना है, इसमें कोई मार्क्स नहीं कटेंगे आपके, ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर था 3।